क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी घटना मानते हैं देश की राजधानी में संविधान की प्रतियां जला दी गई, सत्ता पक्ष विपक्ष से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक सब कुछ खामोश है, क्यों ये खामोशी है? नहीं, आपका नाम? मेरा नाम प्रतिम है, मैं JNU में पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रहा हूँ। हम लोग DSF की तरफ से इसीलिए आज एक प्रोटेस्ट का आयोजन भी किए हैं कि ये हमारे लिए बहुत, खासकर JNU के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग एक बात है कि JNU जैसे एक विश्वविद्यालय में पत्थर भी हिल जाता है तो उसका नेशनल न्यूज़ बन जाता है, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होता है, लेकिन देश का संविधान 15 अगस्त के पहले जब हम अपना आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं उसके दो दिन पहले जलाया जाता है बीच सड़क पे, जंतर मंतर पे, इसी जगह पे जहां आज हम खड़े हैं, और कोई कुछ नहीं बोलता है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इस देश का जो राजनीति है जिसमें नरेंद्र मोदी का सरकार जो 4 साल पहले चुन के आए उनका जो साइलेंस है ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा देश एकदम ही संविधान को ख़त्म करने का एक मोड़ पे आ चुका है कि लोग आज जिस संविधान के लिए आज़ादी का संग्राम चला था, 100-150 साल संग्राम चला जिसके लिए लोग अपने जान दिए, अपने खून पसीने एक कर दिए, जिससे संविधान निकला 1950 में, उस संविधान को ही आज जला दिया जा रहा है। और उस पर ना नरेंद्र मोदी का ना BJP का, कल भी हम लोग वीडियो देखें अमित शाह जो जिनसे फ्लैग, इंडियन फ्लैग संभाला नहीं जा रहा है, वो भी कुछ कमेंट नहीं दे रहे हैं। तो देश का ये हालत है, सब राजनेता जहाँ देश का बचाने का, संविधान बचाने का, उसको इस देश को बेहतर बनाने के लिए जो विजन उसमें रखा गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय उसी को जलाने का बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत शॉकिंग है कि जब JNU में पत्थर भी हिलता है उस पर नेशनल मीडिया से लेके अर्नब गोस्वामी जी, और JNU में पिछली बार नारे लगे थे, अभी तक वो प्रूफ नहीं हुए हैं कि देशद्रोही के नारे लगे थे नहीं लगे थे, लेकिन उस मुद्दे पर हमने देखा कि काफ़ी डिबेट हुई थी और आज तक वो उस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। लेकिन एक सरेआम देश की राजधानी में संविधान की प्रतियाँ जला दी और मीडिया खामोश है, नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं बात, सिर्फ हम सिर्फ एक इंसिडेंट का बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत गहरा है, उसका एक मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि संविधान जलाना बीच सड़क में सिर्फ एक किताब या कुछ पन्नों को जलाना नहीं है, वो पूरा देश का जो फ्रेमवर्क है उसको ही अटैक करना है। आज दो दिन पहले हमारे ही पुराने छात्र उमर खालिद, जिससे मेरा पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, हम उनके हर बात से अग्री नहीं करते, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर, मतलब ये आयरनी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उनके ऊपर गोली चलता है, और पूरा का पूरा है BJP और IT सेल और ये लोग का जितना तंत्र है, राजतंत्र है, वो लग जाता है बोलने के लिए कि कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसा ही दिन है कि जहाँ पे सच हम लोग बोले तो हमको एंटी नेशनल करार दिया जाएगा, और झूठ बोले तो हमको एकदम राष्ट्रवादी बन जाते हैं।